गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये आज हम आपको जो है संगलदान रेलवे स्टेशन जहाँ पे बन रहा है वहाँ का कुछ वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये सामने देखिए, आपको सामने जो दिख रहा है आपको टनल दिख रहा है, ठीक है। एक पार्ट टनल का ये हो गया और फिर ये रेलवे स्टेशन इसी पार्ट में बनेगा जो, ठीक है। और दूसरा जो एंड है, ठीक है, टनल का वो आगे है। ये थोड़ा सा आपको मैं अभी जूम करूँगा, आगे आपको दिख रहा हो। तो ये जो पार्ट आप देखें कि अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, जो आपका प्लेटफॉर्म है संगलदान रेलवे स्टेशन का वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, ठीक है। आगे काम चल रहा है, इधर चलना है, ठीक है। आप देख रहे होंगे आपको साइड में जो है सब स्लोप प्रोटेक्शन किया गया है। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे किया गया है। ये देखिए, ये स्लोप प्रोटेक्शन इस टाइप का हो रहा है। कैसे क्या कर रहे हैं, पहले जो है आप देख रहे होंगे आपको एक ये बीम दिख रहा होगा, ठीक है। एक बीम हो गया, फिर ये बीम हो गया, ये बीम हो गया। इस तरह से इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बीम में इसको ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद इसमें स्टोन पिचिंग कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो बीम है, इस बीम को रोकने के लिए आपको दिख रहा होगा कि देखिए वहाँ पर सरिया लगाया गया है, ठीक है। हम आपको थोड़ा सरिया, ये देखिए इस टाइप का बीम का सरिया बना के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, इसको ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और बीम को जो है इसके अंदर रॉक बोल्टिंग करके, जैसे रॉक बोल्टिंग हम करते हैं ना उस टाइप का, आपको देखिए यहाँ पे सरिया डाला गया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस टाइप के सरिया आपको यहाँ पे देखिए सरिये दिख रहे होंगे, ये सरिये डाले गए हैं। इस सरिये के हेल्प से जो है हम बीम को पहले फिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बीम की कंक्रीट कास्टिंग कर देते हैं, फिर उसके अंदर स्टोन पिचिंग करते हैं, ठीक है। एक पार्ट आपको ये बता दिया मैंने, ये देखिए ये इस तरह से हम ये अभी इधर इस पार्ट में अभी स्लोप प्रोटेक्शन करना है। इधर देखिए हो गया है, ठीक है। ऊपर आपको देखिए डीजी रखा हुआ है, ठीक है। डीजी के बगल में एक मशीन रखी गई है, ठीक है। इसको अगर हो सकेगा तो हम जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो मशीन है ना, इसी से ये जो आपको यहाँ पे रॉक बोल्टिंग दिख रहा है, मतलब जो सरिया टाइप का आपको दिख रहा है कि सरिया इंसर्ट किया गया है, ये एक्चुअली उसी के हेल्प से अंदर ड्रिल किया जाता है। ड्रिल करने के बाद रिक्वायर्ड डेप्थ में सरिये को डाल लॉक किया जाता है, ठीक है। रॉक बोल्टिंग आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। उस टाइप का किया जाता है, फिर बीम को उसमें लॉक कर दिया जाता है ताकि बीम स्लाइड ना हो। फिर बीम के हेल्प से जो हम स्टोन पिचिंग कर देते हैं ताकि ये स्लोप प्रोटेक्शन अच्छे से हो पाए। ये यहाँ पे देखिए एक अब बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो पहाड़ी एरिया में ही देखने को मिलता है। ये आपको देखिए स्टेयर बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। स्टेयर बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है और उसके बगल से ये आप देखिए उसके बगल से पानी आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये स्टेयर इसलिए है, ये जो पानी है ऊपर जो स्प्रिंग है वहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो पानी को नीचे ले जाना है, तो यहाँ पे अगर आप प्लेन एरिया में देखते हैं कि ह्यूम पाइप वगैरह लगा के पानी को मूवमेंट उसको एक जगह से दूसरे के पास कराया जाता है, यहाँ पे अगर आप ह्यूम पाइप इस तरह से स्लोप में लगाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ही एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि उसको आप रोकोगे कैसे, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आप इस तरह से स्टेयर बना दीजिए, पानी स्टेयर के हेल्प से डाउन होता जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, अभी ये रास्ते की वजह से बीच में बना नहीं है, बट रास्ता छोड़ के फिर इधर नीचे अंडर कंस्ट्रक्शन में है अभी, देखिए इस टाइप का, ठीक है। और वो आगे आपको वहाँ पे आगे नीचे देखिए जो है ब्रिज बना हुआ है, उस ब्रिज के हेल्प से आगे एक रिवर है, उस रिवर में पानी चला जाता है, ठीक है। स्टेशन का बिल्डिंग है ये, सामने आपको ब्लू कलर का शेड दिख रहा है, ये स्टेशन की बिल्डिंग है, ठीक है। और जहाँ पे आपका जब स्टेशन रन करेगा तो ऑफिस वगैरह टिकट घर वगैरह बनेगा वो है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का वर्क इन प्रोग्रेस में है, ठीक है। अभी ट्रैक नहीं बिछा हुआ लेकिन प्लेटफॉर्म का वर्क इन प्रोग्रेस में है और पॉसिबली जो है 5-6 महीने में ये तैयार हो जाना चाहिए प्लेटफॉर्म वाला वर्क, ठीक है। तो देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, और चैलेंजिंग वर्क भी रहता है पहाड़ों में, लैंडस्लाइड ये सब वगैरह देखना पड़ता है, ठीक है। बट ठीक है, यही सिविल इंजीनियरिंग है। ये देखिए ये कितना पानी आ रहा है, आपको उस स्ट्रक्चर पे इस साइड भी पानी आ रहा है, उस साइड पानी, ये सारा पानी इसमें डाइवर्ट कर दिया जाएगा और इस स्टेयर के हेल्प से ये नीचे ब्रिज में से पास होकर रिवर में चला जाएगा। ये देखिए पानी यहाँ से ऐसे आ रहा है ऊपर से, ठीक है, और इस टाइप पे आपका भी नीचे जा रहा है, लेकिन ये पानी इस तरह से मूव नहीं करेगा, ये स्टेयर का स्ट्रक्चर बनाया गया इसी पे मूव करेगा ये। यहाँ पे देखिए ये एक स्लोप प्रोटेक्शन ये हो गया,
फिर ये प्लेन एरिया हो गया, एक स्टेपिंग दे दी गई है, फिर उसका स्लोप प्रोटेक्शन ये हो गया, फिर वो प्लेन एरिया हो जाएगा। इस टाइप का स्टेपिंग दिया जाता है, ये कंटिन्यूस स्लोप में नहीं रहता है, ठीक है। स्लोप देंगे, फिर स्टेपिंग देंगे, फिर स्लोप देंगे। तो ये जो पोर्शन है जो अभी आपको कच्चा दिख रहा है, इसमें भी फिर बाकायदे इसमें सरिये का मेस बनाया जाएगा, फिर कंक्रीट कास्टिंग की जाएगी। वहाँ पे देखिए एक नीचे ये जो स्लोप है उसके नीचे जो प्लेन एरिया, वहाँ सरिये का मेस किया गया है, ठीक है। तो इस टाइप का होता है, प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए, नहीं तो जो है स्लाइड के टाइम में पार्ट जो है आपस में बॉन्ड नहीं रहेगा, इसका बॉन्डिंग बढ़िया से नहीं रहेगा तो प्रोटेक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी ये देखिए प्लेटफॉर्म का आगे, प्लेटफॉर्म के लिए देखिए सरिया मेस किया जा रहा है, ठीक है, सरिया बांधा जा रहा है, उसके बाद उसकी कंक्रीट हो जाए। कुछ पोर्शन कंक्रीट हो भी चुका है, ठीक है। ये मैं स्टेशन बिल्डिंग में थोड़ा आपको और पास से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें। और ये टनल की ओपनिंग वो हो गया, ठीक है, दूसरा मैंने पहले आपको दिखाया था वो हो गया, ठीक है। इस पूरे बीच में आपको प्लेटफॉर्म बनने हैं, ठीक है। पीछे रिटेनिंग वाल, स्टेशन बिल्डिंग के पीछे रिटेनिंग वाल का काम चल रहा है, ठीक है। और बाकी ये सब तो आपको दिखा दिया। एक्चुअली आज क्या है कि ईद है, तो जो है वर्क थोड़ा यहाँ पे अभी आज नहीं हो रहा है, मशीनरी वगैरह बंद है, अदरवाइज इतना शोर होता है कि वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आप देखिए ये आपको पास से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए बीम पे एसी जो हम रॉक बोल्टिंग का बात कर रहे थे, वो इस टाइप का जो है सरिया अंदर डाल के ड्रिल करके काफ़ी डेप्थ तक डालना पड़ता है इसको, 5-6 मीटर तो डालना ही पड़ता है अप्रॉक्स, ठीक है। डाल के बीम को लॉक कर दिया जाता है। और ये देखिए जो पाइप आपको दिख रहा है, इसको वी फोल बोल सकते हो आप, जैसे रिटेनिंग वाल में आपके वी फोल बनते हैं ना, पीछे का इसका जो पानी होगा वो सीपेज होकर इस पाइप के थ्रू निकल जाएगा। अदरवाइज अगर ये पानी नहीं निकले, निकालने का प्रोविज़न हम नहीं रखेंगे, तो इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत कास्टली हो जाएगा, क्योंकि पानी का प्रेशर भी बियर करने के हिसाब से हमको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर ये स्टोन पिचिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो हम किसी भी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये भी ध्यान देना है कि वो स्ट्रक्चर जिस जगह पे हम बना रहे हैं उस जगह के हिसाब से स्ट्रांग भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए उसमें, और दूसरा चीज़ ये है कि रीजनेबल कास्ट में भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सबको देखते हुए हम डिज़ाइन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेंथ जो चाहिए हम उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके ज़्यादा सरिया प्रोवाइड कर दें या अच्छी ग्रेड और अच्छा ग्रेड प्रोवाइड कर दें, हमें इकोनॉमिकल भी देखना है। स्ट्रक्चर का डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल होना चाहिए। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि हमारा काम भी चल जाए और कम से कम पैसे में काम भी हो जाए, ठीक है। तो ये रहा पूरा यहाँ का एक छोटा सा क्लिप, मैं बना के आपको इस संगलदान रेलवे स्टेशन का थोड़ा सा स्टेटस बताना चाह रहे थे और यहाँ पे काम कैसे हो रहा है वो बताना चाह रहे थे। तो इस टाइप से काम यहाँ पे हुआ है गाइस, ठीक है। स्लोप प्रोटेक्शन वगैरह तो टफ भी होता है, इस स्लोप में ऐसे काम करना, यहाँ पे मटेरियल पहुँचाना और ये सब करना, और इसलिए यहाँ के जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइम टेकन भी हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता तो पहले से होता नहीं है। ये जो आपको प्लेन ये सब ये दिख रहा है, ये सब पहले से थोड़ी था, ये जब काम करने यहाँ स्टार्ट हो जाता है तो इस तरह से लोग अप्रोच रोड वगैरह बनाते हैं, तो ये सब बनाने में बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम भी लगता है, ठीक है। बाकी आज का मौसम बहुत अच्छा है, आपको थोड़ा सा चारों तरफ का व्यू भी दिखा देते हैं, ठीक है। और इस टाइप का वीडियो मैं एक्चुअली इसलिए डाल रहा हूँ, यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, कि मैं तो एक्चुअली क्या है कि पावर पॉइंट पे एक्सेल बना के और डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ, बाकायदे करना चाहता हूँ किसी स्ट्रक्चर में सरिया कैसे पड़ रहा है, क्या हो रहा है, सब चीज़ भी बनाऊँगा, बट क्या उसके साथ साथ इस टाइप का भी वीडियो होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा फिजिकली आप किसी चीज़ को देखे रहे तो कोई चीज़ एक्सप्लेन किया जाता तो बहुत अच्छे से क्लीन होता है, इसलिए मैं टनल वगैरह का आपको फिजिकल जो है उसका फ़ोटो भी डाल रहा हूँ, और उसके बाद उससे रिलेटेड हम PPT बना के भी एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप उसको जल्दी से फील कर पाओ, क्योंकि जो लोग ये काम नहीं देखे इस टाइप का उनके लिए बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। बट ये है कि आप पूरा सीरीज आप देख लोगे, ठीक है, इस टाइप की वीडियो देख लोगे और सब देख लोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। और आप कहीं साइड पे नए भी हो, अगर कोई बंदा नया भी ये काम करने जाएगा साइड पे कहीं, तो उसको ये नहीं लगेगा कि मतलब ये चीज़ उसने नहीं देखा कैसे करेगा। जब आप कोई चीज़ देखे रहते हो और उससे रिलेटेड जब आप उसकी ड्राइंग वगैरह देखते हो तो बहुत जल्दी आपका इमेजिनेशन होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है,
ठीक है। ये देखिए हम पास में आ गए हैं दुर्फेस का टनल देखने के लिए। इसको मैं जूम अगर हो पाएगा तो जूम करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, अभी ये स्लोप प्रोटेक्शन हो गया, उधर आगे हो गया, बीच में बचा हुआ है, ठीक है। हाँ बचा हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे लग रहा है सेटलमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये सब बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। आगे मैं आपको ये रॉक बोल्टिंग बहुत अच्छे से हुआ हुआ है उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ठीक है। ये देखिए, ये बीम ऐसे जाएगा, इस वाले बीम को ऐसे लॉक करेगा, फिर ये लॉक करेगा, फिर हॉरिजॉन्टल बीम आगे इसको लॉक करेगा, ठीक है। ये अच्छा खासा ड्रिल करके अंदर डाला जाता है, जैसे रॉक क्लास यहाँ होगा उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कितने डेप्थ में डालना है, ठीक है। इसके लिए रॉक क्लास का सैम्पलिंग वगैरह, रॉक का सैम्पलिंग वगैरह होता है, रॉक क्लास पता चलता है, उसके हिसाब से आरएमआर वैल्यू के हिसाब से सब डिसाइड किया जाता है, ठीक है। ये सब तो आप जब ड्राइंग वगैरह जो इसका आता है डॉक्यूमेंट वगैरह वो आप सब देखो समझ में आ जाएगा, बट साइड पे कैसा होता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बिना इसके आप बीम और वर्टिकल बीम, ये बीम कुछ भी बना दीजिए, वो रुकेगा ही नहीं, सब निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी देखिए आपको आगे थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है, चूँकि सेटलमेंट हो जाता है, ये सब पहाड़ हैं, लेकिन अगर अच्छे पहाड़ होते हैं, अच्छे रॉक होते हैं तो सेटलमेंट चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये भी मिट्टी टाइप का है, ठीक है। तो इसका प्रोटेक्शन बहुत टफ हो जाता है, चैलेंजिंग तो रहता ही है, बट ये है कि उसको तो बीट करना ही है हम लोगों को, तभी काम हो पाएगा। तो इस टाइप का वीडियो आपको क्लिप हो गया, ठीक है। एक छोटा सा आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में दे दिया, ठीक है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वीडियो किसको शेयर करिए, कमेंट करिए किस टाइप का वीडियो अगर आपको चाहिए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम भी है टनल वगैरह में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस आपके डाउट को क्लियर करने का। ओके थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि टाइम बहुत लगता है दोस्त, ये सब वीडियो बना के उसको एडिट करके और सेटअप करने में टाइम लगता है, तो टाइम देने में तभी मज़ा आता है जब उसका वैल्यू हो, मोटिवेशन मिले, ठीक है। ओके थैंक यू।